जब से ऋतिक रोशन के काबिल का ट्रेलर लॉन्च हुआ, इसने खूब प्रशंसा बटोरी। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में ऋतिक रोशन और यामी गौतम की अनोखी जुगलबंदी दिखती है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि इनकी मासूमियत एक अंधे इंसान के किरदार ने हम सबको प्रभावित कर दिया। इस फिल्म की पटकथा प्यार और इंतकाम पर आधारित है, और इस फिल्म में ऋतिक और यामी की जोड़ी माशाल्लाह बड़ी खूब लग रही है। पटकथा के अनुसार उनका मिलना जुलना, बातें करना, टैंगो डांस ने जैसे दर्शकों का चैन चुरा लिया है। पर इस हसीन कहानी का मोड़ तभी घूमता है जब रोहित और रौनित रॉय की विलन एंट्री होती है। उनके डायलॉग्स और उनकी चाल ढाल किसी को भी डराने के लिए काफी है। काबिल संपूर्ण रूप से एक संजय गुप्ता फिल्म है। ऋतिक की मौजूदगी से इसका असर और भी बढ़ गया है। वैसे तो काबिल गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे रही है, पर इसकी कहानी इंतकाम पर आधारित है, ना कि देश प्रेम पर। हम इस फिल्म की सारी खूबियों को और खामियों को विचार करने के बाद हम इस फिल्म को 4 स्टार्स की रेटिंग देना चाहेंगे।